हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हैं। और अभी जो बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अपने उसी को लेकर के बात करेंगे। आज यहाँ पे मैं बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। अभी टाइम कम बचा है, नहीं तो अपने पूरा सिलेबस करते, नेक्स्ट ईयर से पूरा सिलेबस करेंगे, लेकिन अभी अपने मॉक टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको 5-6 मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जिसमें आपको जितना आप लोगों ने पढ़ा है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आपने कितना डेप्थ में पढ़ा है, कितने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मॉक टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ देंगे। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो सिलेबस मैंने करवाया है वो क्लेरिकल टू स्केल 1 और सब स्टाफ टू क्लेरिकल के लिए है, क्योंकि यही दो ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी हायर स्केल के एग्जाम्स में इतना कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे आपका सिलेबस है वो भी वास्ट होता है, लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, और आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी पड़ती है, कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 65 क्वेश्चंस डाले हैं, जिसमें शुरू के 1 से 50 क्वेश्चंस हैं वो जनरल बैंकिंग और एब्रिविएशन से रिलेटेड हैं, और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन हैं वो मैंने पीएनबी के डाले हैं, क्योंकि अभी पीएनबी में प्रमोशन प्रोसेस चल रही है, 1-2 वीक का टाइम है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से इनको मॉक टेस्ट को लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। इन ए पीपीएफ अकाउंट डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ डैश टाइम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिटर एक साल में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकता है? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। 6, 10, 12, 24। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, पीपीएफ अकाउंट में एक साल में 12 बार डिपॉजिट किया जा सकता है, और मिनिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं? 500 रुपये, और मैक्सिमम 1,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये पीपीएफ की टर्म्स एंड कंडीशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कस्टमर इज डिफाइंड इन विच एक्ट। कस्टमर और बैंकिंग, ये दो टर्म्स तो आपने सुनी ही होगी, बैंक में हो तो। बैंकिंग किस एक्ट में डिफाइंड है, कस्टमर किस एक्ट में डिफाइंड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन को देखिए, कस्टमर कौन से एक्ट में डिफाइंड किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, नॉट डिफाइंड इन एनी एक्ट, और कंपनीज एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड इन एनी एक्ट। कस्टमर को किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट। पेमेंट ऑफ टर्म डिपॉजिट बाई कैश अबोव 20,000 रुपीज इज प्रोहिबिटेड बाई विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट। अब यहाँ पे एक बात, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, कस्टमर आता है कि मुझे सर एफडी क्लोज करवाना है, तो अपने उसको यही बोलते हैं कि भैया एफडी में जो अमाउंट है वो आपके सेविंग अकाउंट में जाएगी, आप एफडी के पीछे अपने सेविंग अकाउंट का नंबर लिख दीजिए और साइन कर दीजिए, हम पैसा आपके सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। क्या आपने सोचा इसके पीछे रीजन क्या है, हम कस्टमर को कैश में पेमेंट क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे जो रीजन है वो है इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, यहाँ पे 20,000 रुपये तक का जो अमाउंट बनता है, 20,000 रुपये में क्या क्या इंक्लूड होगा? आपका प्रिंसिपल इंक्लूड होगा, प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजों को मिला के अगर आपका अमाउंट 20,000 से ऊपर चला जाता है, तो आप उसको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट करना होगा। ये एक्ट कौन सा होगा, आंसर लगाइए फटाफट। 154, 269, 12AA, 194C। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 269। इनकम टैक्स एक्ट 269 के अनुसार अपने जो टर्म डिपॉजिट हैं 20,000 से ऊपर, उनका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर बन रहा है, तो अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रीमियम अमाउंट ऑफ पीएमएसबीवाई एंड पीएमजेजेबीवाई, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके फुल फॉर्म भी भैया आपको याद होने चाहिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, उनका प्रीमियम कितना होगा रेस्पेक्टिवली बताना है, जिस टाइप से दिया है उसी टाइप से। 12 रुपये 330 रुपये, 20 रुपये 330 रुपये, 436 रुपये, 20 रुपये, और 20 रुपये 436 रुपये। तो बहुत सारे लोग तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अपने पढ़ते हैं ये चीज़ें अपने को आती है, लेकिन पीएमजेजेबीवाई क्या है, पीएमएसबीवाई क्या है, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी है आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है।
तो पहले इसका प्रीमियम क्या होता था, 12 रुपये और 330 रुपये होता था, लेकिन अभी इसका प्रीमियम कितना कर दिया गया है, 20 रुपये और 436 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी प्रीमियम बढ़ गया है PMSBY का 12 रुपये से 20 रुपये हो गए, और PMJJBY का 330 से 436 रुपये प्रीमियम हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर PMEGP डैश फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे PMEGP क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए PMEGP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे प्रमोशन एग्जाम्स हुए हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। PMEGP में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको डिटेल में पढ़ ले भैया, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। अब एक सर्विस सेक्टर होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम कॉस्ट PMEGP में कितनी हो सकती है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। 25 लाख, 50 लाख, 10 लाख और 75 लाख। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 लाख। PMEGP क्या है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है वो क्या हो सकती है, 25 लाख रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द करंट CRR। ये चीज आप यहाँ याद रखें, करंट CRR है, SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब चीजें आप जरूर देख के जाएं, ये सब चीजें आप जरूर देख के जाएं। इनमें से क्वेश्चन बनता है यहाँ, ये इतनी इजी चीजें अपने को लगती है लेकिन एग्जाम में गलत हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी करंट CRR क्या है, 4.5%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको आप PMJJBY बोलते हो, PMJJBY बोलते हो, उसमें इंश्योरेंस कवर कितने रुपए का है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। हाँ आंसर दीजिए, 2 लाख रुपए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ ओनरशिप रेशियो इन रीजनल रूरल बैंक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि RRB है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक, तीनों के कॉम्बिनेशन से, तीनों के शेयर का कॉम्बिनेशन होता है, उस हिसाब से RRB का यहाँ पे फॉर्मेशन की जाती है। तो यहाँ पे किसका कितना कितना शेयर होगा, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादा है या स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा है या स्पॉन्सर बैंक का ज्यादा है, यही चीजें हैं जो एग्जाम में आते हुए भी गलत हो जाती है, आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रेस्पेक्टिवली आंसर देना है, जिस टाइप से लिखा है उसी टाइप से आंसर देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना हो जाएगा, 50% शेयर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का कितना हो जाएगा, 15% शेयर हो जाएगा। और स्पॉन्सर बैंक का कितना हो जाएगा, 35% शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 50, 15 और 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड ऑन शेयर्स। एक बात याद रखें, जो चार्ज वाला टॉपिक है आपका, डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हाइपोथिकेशन है, असाइनमेंट है, मोर्टगेज है, लीन है, प्लेज है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन जरूर उठता है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शेयर्स पे किस टाइप का चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, असाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें अपने असाइनमेंट का, जैसे कोई LIC की पॉलिसी है, उस पे आपको कोई लोन लेना है या कुछ और बैंक से डिपॉजिट वगैरह उसके अगेंस्ट में कुछ लेना है, तो वो क्या होगा, असाइनमेंट होगा, वो आपका असाइनमेंट होगा। हाइपोथिकेशन क्या हो गया, आपको व्हीकल लोन लेना है तो आपकी कार क्या हो जाएगी बैंक के लिए, हाइपोथिकेशन हो जाएगी, हाइपोथिकेटेड हो जाएगी। मोर्टगेज, कोई प्रॉपर्टी लोन लेना तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बैंक के लिए मोर्टगेज हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं शेयर की, तो अब जो चीजें मैंने बताई है उसके हिसाब से बताइए कि यहाँ पे लीन और प्लेज, क्या लीन और प्लेज प्रॉपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीन और प्लेज करेक्ट आंसर होगा, शेयर के लिए लीन और प्लेज होगा। न तो शेयर असाइनमेंट में आएंगे, न हाइपोथिकेशन में आएंगे, न मोर्टगेज में आएंगे। और जो चार्ज वाला टॉपिक है, नेचर ऑफ चार्ज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आप इसको कंप्लीट करके जाएं, सारी चीजें डेप्थ में पढ़ें, ठीक है। लीन और प्लेस का मतलब है, मतलब गिरवी रख दिया गया है, ठीक है, तो ये शेयर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी सैंक्शन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम।
अब गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसमें आप मिनिमम भी बताओ, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है, 10 लाख, 100 लाख, 1 लाख, 50 लाख। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आपका जो है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम में वो 10 लाख हो सकता है, मिनिमम अमाउंट 10 लाख हो सकता है, और मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है, 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम अमाउंट स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। स्पीड कुछ ज्यादा ही हो रही है ना, क्योंकि 65 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको क्या करना है, अर्ली रिवाइज करना है, ठीक है। टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पे बहुत डेप्थ में मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि उससे फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने जो पढ़ा है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आईडी, आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है, प्रूफ ऑफ आईडी लिखा है, आईडी प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, वोटर कार्ड। अगर आपको नॉलेज हो, अगर आपके ध्यान में हो चीजें, तो पैन कार्ड को अभी आईडी कार्ड से हटा दिया गया है, पैन कार्ड को आप आईडी कार्ड के रूप में यूज नहीं कर सकते। 6 ओवीडी जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें पैन कार्ड नहीं है। आपका आधार कार्ड हो सकता है, नरेगा कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, और आपका जो पॉपुलेशन रजिस्ट्रार है उसका रजिस्टर हो सकता है। ये 6 ओवीडी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड यहाँ पे आप ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं रहा है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ से रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ये सारे लेसन आपको पता होना चाहिए, कब बैंक डिबेटर होगा, कब बैंक क्रेडिटर होगा, बेलर बेली का क्या रिलेशन होगा, लेजर लेजी का क्या रिलेशन होगा, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक और कस्टमर का रिलेशन क्या होगा, डेबिटर क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिटर, और डेबिटर डेबिटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिटर। इस कंडीशन में यहां पे बैंक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, और कस्टमर आपका जो है वो डेबिटर हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर आपका यहां पे डेबिटर हो जाएगा। अब बताइए ऐसा क्यों है, कस्टमर तो क्रेडिटर होना चाहिए ना, कस्टमर डेबिटर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो अमाउंट है वो बैंक ने दिया है, यहां पे जो अमाउंट है वो बैंक ने दिया है, बैंक से आउट हुआ है, मतलब बैंक कस्टमर से मांग रहा है, बैंक कस्टमर से मांग रहा है, बैंक क्रेडिटर हो गया, और कस्टमर, कस्टमर ने क्या किया है यहां पे, इन कस्टमर ने लिया है, तो जिसने लिया है वो क्या हो गया, डेबिटर हो गया, क्योंकि कस्टमर को कभी ना कभी ये अमाउंट वापस बैंक को देनी है। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इज पेड एट व्हाट इंटरवल। बहुत ही अच्छा रूटीन बैंकिंग का क्वेश्चन है, आप लोग डेली करते हो, सेविंग बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है, किस इंटरवल पे अकाउंट में क्रेडिट होता है, डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। एक चीज यहां पे ध्यान में रखेंगे आप, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो डेली बेस पे होती है, लेकिन क्रेडिट केस कब होता है, क्वार्टरली बेस पे, ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिट होता है क्वार्टरली बेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बैंक रेमिट्स फंड्स टू आरबीआई फॉर डिपॉजिट इन डीफ अकाउंट व्हेन अकाउंट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर। कितने टाइम तक अकाउंट में ऑपरेशन नहीं हुआ है तो जो अकाउंट में फंड था वो आरबीआई को ट्रांसफर हो जाता है, डीफ में चला जाता है। ऑप्शन ए 2 साल, बी 5 साल, सी 8 साल, डी 10 साल। अब यहां पे दो चीजें होती है, एक तो इनऑपरेटिव अकाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट, और एक होता है डोरमेंट अकाउंट। इनऑपरेटिव और डोरमेंट दोनों में डिफरेंस समझते हो, इनऑपरेटिव कब होता है, जब 10 साल तक, 10 साल तक यूज नहीं लिया, और डोरमेंट कब होता है, जब 2 साल से अकाउंट में ऑपरेशन नहीं हुआ। और कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, कस्टमर इंड्यूस्ड ऑपरेशन होना चाहिए। आपने बैंक से बैंक में कुछ ट्रांसफर किया है वो यहां पे नहीं माना जाएगा, यहां पे कस्टमर इंड्यूस्ड सीआई, कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांसफर, या जो भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफर का हुआ, कैश का हुआ, वो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट ऑपरेटिव माना जाएगा। तो यहां पे डीप में कब चला जाएगा, 10 साल से अकाउंट को अगर यूज में नहीं लिया है तो वो पैसा डीप में चला जाएगा। अब डीप क्या होता है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है, डिटेल में इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपने को एमसीक्यू लगाने हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब महंगाई का क्या प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दो चीजें होती है, एक परचेजिंग पावर और एक महंगाई। मतलब पहले मेरे पास 100 रुपये थे, पहले मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये से मैं 2 किलो चीनी खरीद सकता था, 2 किलो चीनी खरीद सकता था। अब महंगाई बढ़ गई है, अब मैं 100 रुपये से 1 किलोग्राम चीनी ही खरीद पा रहा हूँ, 1 किलोग्राम चीनी ही खरीद पा रहा हूं। तो अभी आप ये बताइए कि इन्फ्लेशन का परचेजिंग पावर पे क्या फर्क पड़ा। ये मेरी परचेजिंग पावर थी, पहले मैं 100 रुपये में दो चीजें ले रहा था, और ये मेरी परचेजिंग पावर यहाँ पे 100 रुपये में, मैं अब महंगाई बढ़ गई तो एक ही चीज ले पा रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन, परचेजिंग पावर ऑफ मनी बिकम्स अनस्टेबल। क्या अनस्टेबल है? नहीं, चेंज हो गई। परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज नहीं है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोज अप, परचेजिंग पावर क्या बढ़ी है? क्या मेरी परचेजिंग पावर बढ़ी है? नहीं, पहले मैं 100 रुपये में 2 किलो खरीद रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा हूं, मैं 100 रुपये में मात्र 1 किलोग्राम चीनी ही खरीद पा रहा हूं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी गोज डाउन। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉप लोन पर हेक्टेयर इज डिसाइडेड बाय, पर हेक्टेयर पे कितना क्रॉप लोन देना है, कितनी केसीसी देनी है, ये कौन डिसाइड करता है? कस्टमर आता है, सर केसीसी लेने, अपने उसको बताते हैं कि ठीक है भाई, हम 30,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से केसीसी करते हैं। कस्टमर बोलेगा नहीं सर, थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। आपने बोले नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते भाई, यही रेट है, यही क्रॉप लोन पेपर हेक्टेयर की रेट यही है, तो सबकी यही लगेगी। अब ये कौन डिसाइड करता है? क्या ये आरबीआई डिसाइड करता है, क्या ये आरबीआई डिसाइड करता है, या क्या अपने कस्टमर जितना मांगेगा उसमें नीड बेस्ड ऑपरेशन कर देंगे? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी कोई कमेटी होती है? क्या स्टेट लेवल पे कोई कमेटी होती है? क्या नाबार्ड इसको डिसाइड कर देता है, जो अपने ऑप्शन में नहीं है? तो आप बताइए इसको कौन डिसाइड करता है? क्या अपना बैंक डिसाइड करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी, ठीक है, जो आपके जिला के हिसाब से एक टेक्निकल कमेटी बनी होती है, वो रिव्यू करती है कि पर हेक्टेयर पे कितना लोन देना है, ठीक है, पर हेक्टेयर पे कितना लोन देना है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिडी इन पीएमईजीपी इफ लोन इज मेड टू एससी एसटी वुमन इन रूरल एरियाज। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे क्या पूछा है कि पीएमईजीपी में सब्सिडी रेट क्या होगी अगर एससी एसटी वुमन को, और कहां पे लोन दिया गया है, रूरल एरियाज में। पीएमईजीपी का जो चैप्टर है वो आप बहुत डिटेल में पढ़े, ठीक है। यहां पे अब जनरल ओबीसी भी आएगा, ठीक है, जनरल ओबीसी भी है, रूरल है, अर्बन भी है, मतलब इसकी एक पूरी टेबल बनी हुई है। आप उस टेबल को एक बार अच्छी तरह से जरूर देख लें, ठीक है। पीएमईजीपी के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। अब यहां पे देखिए, 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी लगेंगे आपको, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेंगे। आप बोलो सर इतने इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या, इतने टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम हमेशा दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इजी और टफ। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, ठीक है। और जो टफ क्वेश्चन आप कर पाते हो वही मेरिट डिसाइड कर जाते हैं। कई बार इजी क्वेश्चन में गलती हो जाती है, वो आपको नीचा ले आते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपने को इजी भी पढ़ना है, टफ भी पढ़ना है, और मॉडरेट भी पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ग्रांटेड अंडर किशोर कैटेगरी इन द केस ऑफ पीएमएमवाई। पीएमएमवाई क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब इसकी यहां पे 3 कैटेगरी होती है, शिशु, तरुण और किशोर, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी होती है, शिशु, तरुण और किशोर। अब आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, शिशु में कितना लोन ग्रांट किया जा सकता है, तरुण में कितनी लिमिट है, और किशोर में कितनी लिमिट है। फिलहाल यहां पे आपको पूछा गया है किशोर के बारे में, कि किशोर कैटेगरी में आपका मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 से 5 लाख, ठीक है, 50,000 से 5 लाख,
ठीक है, शिशु किशोर तरुण, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। शिशु में कितना होगा, 50,000 तक होगा, ये आपका शिशु हो जाएगा, शिशु में 50,000 तक होगा। और किशोर का यहाँ पे बताई दिया है आपको, 50,000 से 5 लाख, और तरुण का क्या होगा, 5 लाख से 10 लाख, ये हो जाएगा तरुण में। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच बैंकर गेट्स प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 85 ऑफ एनआई एक्ट 1881। तो कौन सा बैंकर है जिसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी एनआई एक्ट 1881 के अनुसार? कलेक्टिंग बैंकर, पेइंग बैंकर, इशुइंग बैंकर, और बोथ ए एंड बी, कलेक्टिंग और पेइंग बैंकर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है, जो चेक को कलेक्शन के लिए लेता है। पेइंग बैंकर कौन होता है, जो पे करता है। तो यहां पे किसको प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 85 के अंडर में, सेक्शन 85 के अंडर में आपके पेइंग बैंकर को यहां पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एनआई एक्ट अच्छे से पढ़ लेना, चेक कलेक्शन पॉलिसी, एनआई एक्ट, इस पे दो तीन क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, हु आर द ओनर्स ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, सारी चीजें, इनके डायरेक्टर्स, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कौन ओपन कर सकता है, किसका कितना परसेंट हिस्सा होता है, ये चीजें अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ओनर कौन होता है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी। तो डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो डायरेक्टर यहाँ पे कंपनी में कोई ओनर नहीं होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रोमिजरी नोट, रिटर्न रिसिप्ट, एयरवे बिल, फिक्स डिपॉजिट। और अगर यहां पे एक ऑप्शन और होता चेक, तो यहां पे रिटर्न रिसिप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकती, एयरवे बिल नहीं हो सकता, एफडीआर भी नहीं हो सकती, तो प्रॉमिसरी नोट करेक्ट आंसर, चेक भी होता तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल अल्टरेशन? मटेरियल अल्टरेशन क्या होता है, कोई कार्ड छांट कर देना, ठीक है, कोई कार्ड छांट कर देना, चेक में कोई कार्ड छांट कर दी गई है, तो वो क्या हो गया, मटेरियल अल्टरेशन। कन्वर्टिंग एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक टू एन एंडोर्समेंट इन फुल, ठीक है, कोई ब्लैंक एंडोर्समेंट था उसको फुल में एंडोर्स कर दिया। क्रॉसिंग ऑफ ए ओपन चेक बाई होल्डर, अपने को किसी ने चेक दिया, अपने को किसी ने चेक दिया वो ब्लैंक था, ठीक है, अपने उसको क्रॉसिंग कर दिया, क्या ये मटेरियल अल्टरेशन है? नहीं, ये कोई कार्ड छांट नहीं हुई है। कन्वर्जन ऑफ जनरल क्रॉसिंग टू स्पेशल क्रॉसिंग, अब कस्टमर ने दिया उसमें जनरल क्रॉसिंग करके दी, अपने इसको क्या कर दिया, अकाउंट पे ही कर दिया, किसके नाम से, मिस्टर सुभाष है, तो सुभाष के नाम से कर दिया, तो क्या हुआ, ये क्या मटेरियल अल्टरेशन हुआ है, अभी तक कार्ड छांट कहीं नहीं हुई है। कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर टू बियरर, अब यहाँ पे ऑर्डर और बियरर वर्ड लिखा रहता है, कस्टमर ने अपने को ऑर्डर करके दिया है, मतलब अब ये चेक जिसके पास है, जिसके नाम से है, उसी को ही ऑर्डर पे मिलेगा। बियरर अब इसका हर कोई पेमेंट नहीं ले सकता, लेकिन कस्टमर ने यहाँ पे ऑर्डर से बियरर बनाने के लिए क्या करेगा, ऑर्डर पे ऑलरेडी टिक है तो ऑर्डर को कट करके बियरर पे करेगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे काट छांट, मतलब यहाँ पे मटेरियल अल्टरेशन हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द पेइंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड अंडर फॉलोइंग सेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ चेक विद फोर्ड सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्ज्ड सिग्नेचर का कोई अपने पास चेक आता है तो क्या उसमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो एनआई एक्ट का कौन सा सेक्शन हमें प्रोटेक्शन देगा, सेक्शन 89 ऑफ एनआई एक्ट, सेक्शन 85A ऑफ एनआई एक्ट, सेक्शन 125 ऑफ एनआई एक्ट, नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। अच्छा ये बताइए एनआई एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, टोटल कितने सेक्शन है, ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए सर्च कीजिएगा एक बार, एनआई एक्ट में कितने सेक्शन है, यहां पे क्या हो जाएगा, नो प्रोटेक्शन अवेलेबल। अगर फोर्ज्ड सिग्नेचर का चेक आपके पास आता है तो यहां पे कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, सिग्नेचर फोर्ज्ड नहीं होना चाहिए, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप उसके लिए लायबल हो, यहां कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ए चेक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बियर्स ए राउंड स्टाम्प ऑफ देना बैंक एंड कलेक्शन नंबर ऑफ द बैंक, द चेक इज जनरल क्रॉस्ट, स्पेशल क्रॉस्ट टू देना बैंक, अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग, नन ऑफ द अबो। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई चेक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई चेक था, और जिस बंदे के पास ये चेक था,
उसका क्या है, देना बैंक में अकाउंट है, उसका देना बैंक में अकाउंट है तो अपने बैंक में जाएगा। यहाँ पे इसने चेक क्या है डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से चेक डिपॉजिट कर दिया। अब ये चेक कलेक्शन के लिए गया है, ठीक है, अब ये चेक कलेक्शन के लिए गया है और कलेक्शन नंबर लिख करके बैंक ने इसको क्लियरिंग में लगा दिया, तो ये कौन सी क्रॉसिंग हुई? बैंक ने कलेक्शन नंबर लगा दिया और अपनी राउंड स्टैंप है वो इस पे लगा दी है, कलेक्शन नंबर और राउंड स्टैंप लगा दिया, तो जनरल क्रॉस्ड, स्पेशल क्रॉस टू देना बैंक, अकाउंट बैंक क्रॉसिंग, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये स्पेशल क्रॉस टू देना बैंक। अब ये देना बैंक की प्रॉपर्टी बन गया है, स्पेशल क्रॉस टू देना बैंक, इसका पेमेंट देना बैंक के थ्रू ही जाएगा। इज दैट करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड। सीटीएस 2010 क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यूवी लैंप प्रोटेक्शन ऑफ चेक, चेक्स को क्या यूवी लैंप से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक। सीटीएस 2010 ये लाने का क्या तात्पर्य था यहाँ पे, मतलब सारे बैंक जो हैं उनके चेक को एक स्टैंडर्ड हो, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो, तो सभी को एक स्टैंडर्ड में लाने के लिए, एक मानक में लाने के लिए सीटीएस 2010 लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकर कस्टमर रिलेशन इन केस ऑफ सेफ कस्टडी। मैंने बताया था ये टेबल अच्छे से पढ़ लेना। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ सेफ कस्टडी। डेप्टर क्रेडिटर, बेलर बेली, लेजर लेजी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, एंड द करेक्ट आंसर इज बेली और बेलर। ठीक है, सेफ कस्टडी के केस में क्या हो जाएगा, बेली और बेलर। अब मैं यहां पे बोल दूं लोकर है तो लोकर के क्या केस में क्या हो जाएगा, लेजर और लेजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी विदाउट एनी स्पेशल रिजोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। एक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी 12। लेकिन आप बोले सर हमने तो 15 भी पढ़ा है। एक कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितना हो सकते हैं? आप बोलो सर हमने तो 15 भी पढ़ा है। तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन की गई है, विदाउट एनी स्पेशल रिजोल्यूशन। कोई स्पेशल रिजोल्यूशन ला करके डायरेक्टर की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, 15 तक किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं है, विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन 12 डायरेक्टर ही एक कंपनी में मैक्सिमम हो सकते हैं। हो रहे हैं कुछ कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज व्हाइट गोल्ड, व्हाट इज व्हाइट गोल्ड, ये प्रमोशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाइट गोल्ड क्या होता है? डायमंड, कॉटन, पॉलिस्टर, व्हीट। जैसे श्वेत क्रांति, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना, हरित क्रांति, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। व्हाइट गोल्ड क्या होता है? कॉटन इज द आंसर। व्हाइट गोल्ड क्या होता है? कॉटन होता है। अब बहुत सारों ने तो ये सोचा होगा डायमंड, तो इसका आंसर होगा कॉटन। स्टडी ऑफ करेंसी इज कॉल्ड, करेंसी की स्टडी को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, क्रोमेटोग्राफी, न्यूमिस्मेटिस्ट, एंटोमोलॉजी। तो सबसे पहले आपके इनकी मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर इनके मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स। पोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? केमिकल से रिलेटेड स्टडी, जो लेबोरेटरी में स्टडी की जाती है वो क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी होता है। ये करेंसी, करेंसी या कॉइन्स की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। और एंटोमोलॉजी क्या होता है? इंसेक्ट्स, कीड़ों का जो अध्ययन है, कीड़ों का जो अध्ययन है उसको एंटोमोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आप टेलीग्राम पे फुल स्टडी नाम से सर्च कर सकते हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम है आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो फुल स्टडी नाम से। ठीक है, बाकी चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो आपके जैसे और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं उनका भला हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर खेत को पानी इज पार्ट ऑफ, पीएनबी प्रमोशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हर खेत को पानी किसका पार्ट है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना क्या है एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका राजस्थान से जो लोग हैं उनको बहुत पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। बाकी
ये चीजें आप एक बार पढ़ लेना, गवर्नमेंट स्कीम्स में ये चीजें जो लेटेस्ट हैं आप एक बार इनको पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। AEPS स्टैंड्स फॉर, अब फुल फॉर्म्स हैं ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस फुल फॉर्म्स पे हैं। AEPS क्या होता है, अपने जाते हैं, कस्टमर आता है कि सर मेरा आधार नहीं जुड़ा हुआ है, अपने उसका आधार जोड़ते हैं तो वहां पे आता है AEPS फ्लैग DBT फ्लैग। AEPS फ्लैग यस, DBT फ्लैग यस। क्या आपने कभी सोचा है AEPS का क्या मतलब होता है? डीबीटी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी के लिए हो गया, AEPS क्या है? जो कस्टमर BC एजेंट्स के पास अपना अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक से जो पैसा निकलता है वो AEPS के थ्रू निकलता है। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ANBC स्टैंड फॉर एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। ये फुल फॉर्म्स हैं जो आपके जो सब स्टाफ से क्लेरिकल के जो प्रमोशन होते हैं उनमें इस पे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, 2-3 फुल फॉर्म हर एग्जाम में पूछी जाती है, इवन स्केल 2-3-4 में भी पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ATM स्टैंड्स फॉर, अब ATM तो सभी जानते हैं लेकिन क्या ATM की फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं? तो चलिए फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन BBPS स्टैंड्स फॉर, BBPS काफी चर्चा में रहा था ठीक है। BBPS मोदी गवर्नमेंट ने जब भी आई है तब से डिजिटल जो चीजें हैं उन पे बहुत ध्यान दिया है ठीक है। डिजिटल जो चीजें हैं खास करके नोटबंदी के बाद डिजिटलाइजेशन का काम है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, तो उसमें एक टर्म नई अभी लेटेस्ट में आप लोग काफी सुन रहे होंगे, BBPS क्या होता है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है BCSBI स्टैंड्स फॉर, BCSBI क्या है? BCSBI क्या है? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। BCSBI एक कमिटी है जो बैंकिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाती है कि कस्टमर के क्या अधिकार हैं, कस्टमर के क्या रोल हैं, बैंकर्स के क्या रोल होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड्स कोड्स जो डिसाइड करती है वो BCSBI कमेटी करती है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। डिटेल्स में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। भीम स्टैंड्स फॉर, ठीक है, जब नोटबंदी आई थी उसके बाद एक भीम ऐप लॉन्च किया गया था, भीम ऐप लॉन्च किया गया, सबसे पहले यही ऐप लॉन्च किया गया था, अच्छी तरह से मुझे याद है सबसे पहले भीम ऐप लॉन्च किया गया था। भीम का फुल फॉर्म क्या है? अब तक तो भूल गए होंगे सब लोग क्योंकि अब तो इंडिविजुअल बैंक्स ने अपने सारे UPI लॉन्च कर दिए हैं, तो भीम में इतना वो ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते नहीं है, भीम को इतना यूज करते नहीं है। चलिए फिर भी भीम का फुल फॉर्म बताइए आप। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BPLR, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी BPLR। BPLR क्या होता है? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। मनी स्टैंड्स फॉर, मनी स्टैंड्स फॉर, ये एक्चुअली मनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मनी क्या है। RBI ने एक ऐप लॉन्च किया था किन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता ठीक है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए RBI ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था मणि। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इस ऐप में कुछ ऐसे फीचर दिए गए हैं जो लोग आंखों से देख नहीं सकते वो भी इस ऐप से अपना काम कर सकते हैं, नोट को वो पहचान सकते हैं। तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मणि ऐप किसने लॉन्च किया था? RBI ने। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। PMVVY स्टैंड्स फॉर क्या होगा? प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। मुद्रा स्टैंड्स फॉर, अभी मुद्रा के बारे में अपने बात कर रहे थे, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। WPI स्टैंड्स फॉर, अब इंडिया में दो इंडेक्स काम करती है, एक होलसेल लेवल पे, एक रिटेल लेवल पे, एक होलसेल लेवल पे, एक रिटेल लेवल पे। डिटेल में बात नहीं करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट बात करें। WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक रिटेल लेवल पे काम करती है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। किसके लिए काम आती है? महंगाई के मेजर के लिए, WPI और रिटेल प्राइस इंडेक्स।
IRMD स्टैंड्स फॉर, अब आपने देखा होगा आपके पास मेल आती रहती होगी आपके बैंक के मेल पे, IRMD की मेल है ये HRD की मेल है, ये ITD की मेल है। तो ये IRMD क्या होता है, IRMD कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन। IRMD क्या होता है, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन। ये क्या बनाता है, बहुत सारे जो मतलब IRMD का क्या काम होता है, IRMD रोन से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है, एनालिसिस करता है दूसरे बैंकों की पॉलिसी उनको देखता है, लोगों की नीड बेस को देखता है, उसके बाद लोन से रिलेटेड पॉलिसियां यहां से बनाई जाती है, यहां से IRMD के सर्कुलर निकलते हैं। MPIN स्टैंड्स फॉर, अब MPIN नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन MPIN की फुल फॉर्म कितने लोगों को आती है, बहुत कम लोगों को MPIN की फुल फॉर्म आती है। आजकल ऑलमोस्ट सभी ऐप में MPIN लगाया जाता है, जो MPIN डालते ही वो उस ऐप में अपने लॉगिन कर सकते हैं और उसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन MPIN की फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए दीजिए आंसर, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। UPI स्टैंड्स फॉर, अब UPI सब लोग करते हैं, लेकिन कस्टमर क्या बहुत सारे हमारे साथी भी हैं जो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि UPI क्या होता है, हालांकि पता सभी को होगा, एक बार सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पर्सनल इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अब ऑप्शन मिलते जुलते दिए जाते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, UPI स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 45, IMPS स्टैंड्स फॉर, IMPS क्या होता है, आजकल IMPS का इतना यूज नहीं होता क्योंकि नेफ्ट RTGS, नेफ्ट RTGS और उसके बाद UPI आ गया है तो IMPS का इतना यूज नहीं होता है, लेकिन पहले क्या था, IMPS बहुत यूज में लिया जाता था, IMPS से भी इंस्टेंट पैसा है जो कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था, तो ये क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट ट्रांसफर के लिए काम आता है, तो इसका फुल फॉर्म इंस्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस अलाउड इन ए सेफ डिपॉजिटर लॉकर इन ए सिंगल डे, एक सेफ डिपॉजिट लॉकर में कस्टमर एक दिन में कितने ऑपरेशंस कर सकता है, एक दो तीन या नो लिमिट स्टिपुलेटेड, ऐसी कोई लिमिट क्या बनी हुई है, चलिए अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाइए और फटाफट आंसर दीजिए। देखो भाई इतनी देर में तो चटका देना था, तो नो लिमिट स्टिपुलेटेड, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कस्टमर सेफ डिपॉजिट लॉकर में एक दिन में कितने भी ऑपरेशंस कर सकता है, यहाँ पे कोई लिमिट डिसाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, RBI इज एम्पावर्ड टू स्टेप अप SLR टू मैक्सिमम ऑफ, SLR क्या होती है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, मैक्सिमम कितनी की जा सकती है, 40%, और यहाँ पे मिनिमम पूछ ले तो, अब मैंने पूछ लिया SLR मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम के लिए नो लिमिट, मिनिमम के लिए कोई लिमिट डिसाइड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम SLR 40% हो सकती है। द लिमिटेशन पीरियड फॉर ए कोर्ट डिक्री, कोर्ट डिक्री के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना टाइम होगा, 12 साल, ठीक है, कोर्ट डिक्री के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, 12 साल, 12 साल के बाद कोर्ट डिक्री एक्सपायर हो जाएगी। हाइपोथिकेशन ए मोड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन, हाइपोथिकेशन कौन से एक्ट में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी एक्ट, तो हाइपोथिकेशन सरफेसी एक्ट 2002 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, इन NRE अकाउंट पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर्स कैन डू, अब कोई NRE था उसने किसी दूसरे को पावर ऑफ अटोर्नी दे दी, वो चाहे रेजिडेंट इंडिविजुअल हो चाहे NRE हो, उसको पावर ऑफ अटोर्नी दे दिए, तो वो क्या क्या कर सकता है, मेक पेमेंट बाय वे ऑफ गिफ्ट, क्या गिफ्ट के द्वारा पेमेंट कर सकता है, ट्रांसफर फंड फ्रॉम NRE अकाउंट टू अनदर NRE अकाउंट, क्या NRE अकाउंट से दूसरे NRE अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, विड्रॉल फॉर लोकल पेमेंट, क्या लोकल पेमेंट्स विड्रॉ किए जा सकते हैं, रिपेट्रिएट आउटसाइड इंडिया फंड्स, क्या आउटसाइड इंडिया फंड में रिपेट्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पावर ऑफ अटोर्नी सिर्फ लोकल पेमेंट्स के लिए दी जा सकती है, NRE अकाउंट में पावर ऑफ अटोर्नी है वो सिर्फ लोकल पेमेंट्स के लिए दी जा सकती है, ये बाकी तीनों ऑपरेशंस पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 51, अब ये जो क्वेश्चन हैं वो PNB के हैं, ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं वो पीएनबी के हैं, पीएनबी के मेन्यू हैं। चलिए फटाफट, हाँ शुरू के 50 क्वेश्चन थे वो सभी के लिए कॉमन है, जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन है। अभी जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं वो पीएनबी के हैं। मेन्यू फॉर रिलीज ऑफ डुअर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, डुअर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए क्या मेन्यू होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए डुअर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विस इंक्लूड है, ये चीजें भी आप एक बार बैंक के सर्कुलर से देख लेना। क्या कैश पिकअप किया जा सकता है, क्या चेक कलेक्शन किया जा सकता है, क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी अपने बात करते हैं मेन्यू पे, डुअर स्टेप बैंकिंग का मेन्यू क्या होगा, डीएसबीएस, डुअर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, यहां से आप याद रख सकते हो फुल फॉर्म से। यहां पे डुअर से डी लिया, स्टेप से एस लिया, बी से बैंकिंग से बी लिया, और सर्विसेज से एस लिया, तो टोटल मिला के क्या बन गया, डीएसबीएस। तो डुअर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज का मेन्यू डीएसबीएस। मेन्यू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेविंग्स अकाउंट, अब आप बोलो सर आजकल तो गियो कस्ट सीओ से सेविंग अकाउंट ओपन हो रहे हैं, लेकिन सारे अकाउंट वहां से ओपन नहीं होते। जैसे किसी माइनर का अकाउंट आपको खोलना है तो वहां से ओपन नहीं होता सर, बोल दो उसके लिए तो टैब आ गया है, तो ऐसे नहीं होता। जैसे एसबी पावर अकाउंट आपको टैब से भी नहीं खोलना है तो आप क्या करोगे, तो ये सारे मेन्यू ऑप्शन वहां पे नहीं होते। यहां पे अपने को कौन सा यूज करना पड़ेगा, HOSCSB यूज करना पड़ेगा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए पूछा है। यहाँ पे वेरिफिकेशन क्या होगा, HOSCVSB, ठीक है, HOSCSB ओपन करने के लिए एंटर स्टेज पे, और ये हो जाएगा वेरिफिकेशन स्टेज पे, ये एंटर स्टेज पे, ये वेरिफिकेशन स्टेज पे। नेक्स्ट, मेन्यू फॉर पासबुक प्रिंट रीसेट, अब किसी कस्टमर ने बोला सर मुझे पासबुक एंट्री करके दीजिए, आपने देखा उसके तो एक एक महीने में 100-100 एंट्री हो रही है, आप बोले नहीं भैया पासबुक में इतनी एंट्री हो नहीं सकती, हम आपको क्या करते हैं लास्ट 20 ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा मेन्यू चलाओगे, HPBPR पासबुक के लिए PB और प्रिंट रीसेट के लिए PR, H सभी में लगाई ही है कॉमन है, तो HPBPR पासबुक प्रिंट रीसेट HPBPR। मेन्यू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट, अब स्टॉप पेमेंट के लिए कोई चेक आया, आपने एंटर स्टेज में डाल दिया HSPP, अब वेरीफाई किससे होगा, HSPPV 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 HSPPAU HSVPP, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का, यहाँ पे HSPPAU मतलब ऑथोराइजेशन, HSPPAU से स्टॉप पेमेंट वेरीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू फॉर इंटरेस्ट रन, कोई सीसी अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, उसमें इंटरेस्ट कौन से मेन्यू से लगाएंगे, HACINT, अब यहाँ पे लोन अकाउंट में HACINT से इंटरेस्ट नहीं लगता है, टर्म लोन्स में वहाँ पे LADGEN चलाना पड़ता है, जो ऑफिसर्स यूजर या 100 पावर यूजर्स में चलता है, तो यहाँ पे मेन्यू फॉर इंटरेस्ट रन HACINT, हाँ बिल्कुल ये क्लरिकल यूजर में भी चल सकता है। नेक्स्ट मेन्यू देखिए, मेन्यू फॉर NPS अकाउंट ओपनिंग, अब बहुत सारे तो हमारे साथी हैं, खुद मैंने ये रियलाइज किया है, मैंने पूछा है जिनको ये पता नहीं है कि NPS अकाउंट क्या अपने बैंक में खोल सकते हैं, बिल्कुल NPS अकाउंट अपने बैंक में खोल सकते हैं। NPS अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, टीयर वन और टीयर टू दो टाइप के NPS अकाउंट होते हैं, और दोनों टाइप के NPS अकाउंट अपने बैंक में खोल सकते हैं, लेकिन टीयर टू अकाउंट तभी खुलेगा जब टीयर वन अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, या टीयर टू अकाउंट खोलने के लिए पहले आपको टीयर वन अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब टीयर वन और टीयर टू अकाउंट्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल में अपने बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा चौड़ा ये सेशन हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं अपने NPS अकाउंट ओपनिंग के मेन्यू की, HNPS, HNPS REG, HNPS OPN, HAC NPS, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, HNPS REG का मतलब रजिस्ट्रेशन, NPS रजिस्ट्रेशन के लिए HNPS REG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू फॉर रीलोडिंग ऑफ फास्ट टैग, अब फास्ट टैग वगैरह क्या हुआ था कि जब फास्ट टैग दिए थे तो सिलेक्टेड ब्रांचेज में दिए थे, तो बहुत ज्यादा यूज इस टाइम फास्ट टैग का रहा नहीं है, क्योंकि बैंक के फास्ट टैग बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि कम लोग ही लेते हैं, वहां से फास्ट टैग इजीली मिल जाता है, उस टाइम काफी फास्ट टैग बैंक ने दिए थे, तो फास्ट टैग रीलोड के लिए क्या होगा, FTAG RLD, ठीक है, FTAG मतलब फास्ट टैग, RLD मतलब रीलोड के लिए, FTAG ISS क्या होगा, फास्ट टैग इश्यू करने के लिए, ठीक है, फास्ट टैग इश्यू करने के लिए, FTAG RCHARGE फास्ट टैग रिचार्ज के लिए, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेन्यू फॉर ओपनिंग ऑफ सीसी अकाउंट, मेन्यू फॉर ओपनिंग ऑफ सीसी अकाउंट। अब बोल दीजिए कि सर आजकल तो लेंस आ गए हैं, पीएनबी लेंस में अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे सीसी अकाउंट एक तरीके का क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है, सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है। प्रोसेस करने के बाद इसको आपको सीबीएस में खोलना पड़ता है। तो क्या मेन्यू होगा, एचओडब्ल्यूसीएसबी। बोल रहे सर एचओडब्ल्यूसीएसबी, क्योंकि आपने बताया सेविंग अकाउंट की कैटेगरी में आता है, या एचओडब्ल्यूसी, एचओडब्ल्यूसीसी, एचओडब्ल्यूसीबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेविंग्स अकाउंट कैटेगरी का अकाउंट है, खुलेगा सीबीएस में, लेकिन HOAACCC इज द मेन्यू ऑप्शन फॉर अकाउंट ओपनिंग ऑफ सीसी अकाउंट। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेन्यू फॉर कोलेटरल रजिस्टर लुकअप। सर ये क्या पूछ लिया, ये तो कभी हमने काम में ही नहीं लिया है। तो ऐसे मेन्यू पूछे जाते हैं, ये बहुत सारे मेन्यूज जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं वो पूछे गए हैं। तो कोलेटरल रजिस्टर लुकअप के लिए क्या होगा, HCLL। अब यहाँ पे कोलेटरल मेंटेनेंस, आपको पता है ये चीज क्या है, लेकिन कोलेटरल रजिस्टर लुकअप नाम आ गया तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले HCLM करते हैं, कोलेटरल बनाते हैं, HSCLM में लिंक करते हैं। अब अपने को देखना है कि कोई अकाउंट में कोलेटरल एग्जिस्ट है या नहीं, एग्जिस्ट है तो प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो वहां पे क्या ऑप्शन यूज करेंगे, HCLL मेन्यू यूज करेंगे। यहां से अपने को इससे लिंक्ड जितनी भी कोलेटरल्स हैं वो दिखाई दे जाएगी और यहां पे पता लग जाएगा कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। सब्स्टिट्यूट करना है तो यहीं से मेन्यू, यहीं से कोलेटरल को उठाएंगे और उसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर दोबारा से उसको मॉडिफाई करेंगे। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन्यू फॉर लोन्स ओवरड्यू पोजीशन इंक्वायरी। लोन्स पे तो आजकल बैंक का काफी फोकस है वैसे भी, तो ये तो आपको आई होप पता होगा। HLAOPI, LA मतलब लोन अकाउंट, OPI मतलब ओवरड्यू पोजीशन इंक्वायरी, O मतलब ओवरड्यू, P मतलब पोजीशन, I मतलब इंक्वायरी, HLAOPI। क्वेश्चन नंबर 61, मेन्यू फॉर लोन डिमांड सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप लेस पे चलाते हो, अमाउंट जमा करते हो, तो उस अकाउंट में अमाउंट जमा होता नहीं है, वहां पे आता है कि लोन डिमांड सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम आप चलाइए, तो वो क्या होता है, HLA DSP। HLA मतलब लोन अकाउंट, DSP मतलब डिमांड सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम, डिमांड सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम, DSP डिमांड सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम। ये मेन्यू जो आपके होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके नाम से ही लिंक होते हैं, इसके नाम से ही लिंक होते हैं, तो आप इनको इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेन्यू फॉर प्रधानमंत्री अटल योजना सब्सिडी अपडेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी अपडेशन अंडर CLSS स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको आप एक बार डेप्थ में पढ़ लेना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी आपको अपडेट करनी है, उसके लिए कौन सा मेन्यू होगा। अब एक तो APY REG तो सभी को पता है अटल पेंशन योजना के लिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा है, अटल पेंशन योजना रजिस्टर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा है प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी अपडेशन। तो ये क्या होगा, ADPMAY, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको याद रखना है ADPMAY। तो PMAY तो यहाँ पे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY यहाँ पर भी है, AD एडिशन में क्या डाला है, AD, तो ADPMAY। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू फॉर आउटवार्ड बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी आउटवार्ड और इनवार्ड हो सकती है, तो आउटवार्ड के लिए क्या होगा, OGM। आउटवार्ड का मतलब O, G का मतलब गारंटी, M का मतलब मेंटेनेंस, आउटवार्ड गारंटी मेंटेनेंस, OGM। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू फॉर एक्चुअल चेंजिंग डेट ऑफ सोल। एक्चुअल चेंजिंग डेट ऑफ सोल, HS कोड, HS कोड, HSSI, HS कोड, चेक, ये तो सभी को पता होगा, डे एंड प्रोसेस का पार्ट है। तो HS कोड, एक्चुअल चेंजिंग डेट ऑफ सोल क्या होगी, HS कोड में होगी, यहाँ पे HS कोड आंसर मत दे देना, एक्चुअल चेंजिंग डेट ऑफ सोल, एक्चुअल डेट चेंज क्या होगी, HS कोड में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन्यू फॉर CTS क्लियरिंग सस्पेंड ऑफ जोन, तो HMCL ZOH, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये थे 65 क्वेश्चन। सेशन कैसा रहा, क्वेश्चंस आपको कितने रिलेवेंट लगे,
कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, ईमानदारी से कोशिश करना और फटाफट से एक बार सेशन को रिवाइज कर देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बस इतनी ही चीज़ है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप फुल स्टडी नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स। और आगे ये फर्स्ट मॉक टेस्ट था आपने, आगे मॉक टेस्ट और लेके आएंगे, 5-6 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा और बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए कंसेप्ट आपको उसमें सीखने को मिलेंगे। ऑलरेडी